नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा में डूब रहे मां बेटी को बचाने के लिए सीओ ने लगाई छलांग, मौके पर मौजूद लोगों ने की अंचलाधिकारी की सराहना। अबजुगंज घाट में स्नान के दौरान डूबे चार लोगों के परिजनों से मिले सांसद, कहा आपदा के तहत परिजनों को दी गई सहायता राशि। ससुराल पहुंचे सीआरपीएफ जवान ने साले की कर दी बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। वकीत को लेकर डीएम ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के दिए निर्देश। और नगर आयुक्त ने शहर में लगे अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स को हटाने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैविनाथ मंदिर गंगा घाट में मंगलवार की शाम सुल्तानगंज सीओ का मानवीय चेहरा सामने आया है। जब सीओ शंभु शरण राय ने गंगा स्नान के दौरान डूब रही मां बेटी को देखते ही गंगा में छलांग लगा दी। सीओ ने बिना समय गवाए गंगा में डूब रही मां बेटी को अपनी सूझबूझ से डूबने से बचा लिया, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। दरअसल सीओ शंभु शरण राय श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू और कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के साथ घाट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी लोगों का शोर सुनकर उनकी नजर गंगा में डूब रही मां बेटी पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपने चालक विश्व कुमार को मोबाइल देकर गंगा में छलांग लगा दी और दोनों मां बेटी को बचा लिया। बताया जा रहा है कि 32 वर्षीय महिला और उसकी 14 वर्षीय पुत्री मासूमगंज से गंगा स्नान करने अजगैविनाथ गंगा घाट आई थी और इस घटना की जानकारी जब महिला के मौसेरे भाई को मिली तो वह गंगा घाट पहुंचा। इधर महिला ने बताया कि वह बेटी के साथ गंगा स्नान करने आई थी, जबकि महिला की प्रतिक्रिया और हाव भाव से लोगों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि मां बेटी आत्महत्या करने की मंशा से घाट पर आई थी, लेकिन सीओ के प्रयास के कारण उन दोनों को बचा लिया गया। वहीं पुलिस फिलहाल दोनों मां बेटी से इसको लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि सीओ का कहना है कि मां बेटी को डूबने से बचाने पर उन्हें आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हो रही है। बांका सांसद गिरधारी यादव बुधवार को भागलपुर सुल्तानगंज के मारवाड़ी युवा मंच कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अबजुगंज गंगा में डूबने से चार लोगों की हुई मौत के बाद उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दिया। सांसद ने कहा कि सरकार के द्वारा आपदा के तहत दी जाने वाली 4 लाख की राशि परिजनों को दी जाएगी। वहीं बांका सांसद गिरधारी यादव ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जन समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए समस्याओं का निदान जल्द से जल्द कराए जाने की बात कही। जबकि सुल्तानगंज सीओ शंभु शरण राय द्वारा गंगा में कूद कर माँ बेटी को डूबने से बचाने पर सराहना करते हुए बांका सांसद और विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने सीओ को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं विधायक ने कहा कि अबजुगंज गंगा घाट में 4 लोग डूबने की घटना काफी दुखद है। साथ ही विधायक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गंगा स्नान करने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे किसी तरह की कोई घटना ना हो। मौके पर बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, पवन किसान, नवीन कुमार पन्नी, विकास कुमार कर्ण सहित काफी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुत दिन से उधर थे, राष्ट्रपति विधानसभा सब लोग उधर थे, राजन लोग आके परिवार को संतप को संतोना दिए और जो सरकारी राशि का मुहैया कराया गया उसको जो पूरा लगे हुए श्रावणी मेला परंपरागत रूप से चले, लेकिन है क्या परंपरागत रूप में कभी कभी बदलना भी पड़ता। क्या बदलना पड़ता कि पहले हम लोग रोडे पर सब चलता था, देखिए बगल में रास्ता बनाए काम बना कर दिया, फिर तो कहता है हमारा परंपरा था रोड पर चलने का, खतरा बढ़ रहा, मान लीजिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ की संभावना रहेगी, तो सरकार देखती है कि किसी भी परिस्थिति में कोई कैजुअलिटी नहीं, उसके लिए सरकार फेल जगह पर नहीं, सरकार का दायित्व पहले जनता का रक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार पुलिस रेडियो कैंपस स्थित नवनिर्मित इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का फीता काटकर शिलापट का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद सीएम ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और वहाँ की व्यवस्थाओं एवं कार्य प्रणाली की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधिकारियों ने सीएम को बताया कि आपराधिक घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना, महिला बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा समेत किसी भी
प्रकार की आपातकालीन स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल किया जा सकता है। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि सभी कॉल पटना स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होंगे और आवश्यकता अनुसार पीड़ित व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 20 मिनट के अंदर इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन घटनास्थल पर भेज दिए जाएंगे, जबकि पटना स्थित उच्च स्तरीय केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इस कंट्रोल सेंटर में प्रत्येक पाली में 90 महिलाएं पुलिसकर्मी कॉल रिसीव करने के लिए, 24 ऑफिसर कॉल प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही के लिए और 2 अधिकारी कॉल सेंटर को सुपरवाइज करने के लिए मौजूद रहेंगे। साथ ही बताया गया कि प्रत्येक गाड़ी में आधुनिक कैमरे और GPS समेत कई जरूरी सुविधा की व्यवस्था की गई है, जिससे घटनास्थल पर पहुंचने के बाद घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियो लिया जा सके। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 112 कॉल सेंटर में कार्यरत सभी कर्मी महिलाएं हैं, जो दक्षता के साथ सभी कार्यों को सकुशल तरीके से हैंडल कर रही है और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। CM ने कहा कि किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति या कोई आपदा हो तो इस नंबर पर निःशुल्क कॉल कर इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक अन्य मार्ग से इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पटना जिले के सभी निर्धारित स्थलों एवं अन्य जिलों के जिला मुख्यालयों के लिए रवाना किया। मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुभानी, पुलिस महानिदेशक SK सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद सहित काफी संख्या में अलग अलग विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में CRPF के जवान की दादागिरी सामने आई है। बताया जा रहा है कि CRPF जवान ने अपने साले की जमकर पिटाई कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर पीड़ित ललन कुमार चौरसिया ने अपने जीजा CRPF जवान नितेश कुमार उर्फ गुड्डू और उसके 10 सहयोगियों पर मंगलवार की शाम घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके बहन की शादी 2016 में मुंगेर के रामनगर थाना क्षेत्र रतनपुर पाटम बैरचक निवासी लक्ष्मी मंडल के पुत्र CRPF जवान नितेश कुमार से हुई थी, लेकिन उसके बुरे बर्ताव के कारण बहन उससे अलग होना चाहती है। इसको लेकर न्यायालय में मामला चल रहा है। ललन कुमार ने कहा कि उसके बहनोई नितेश कुमार और उसके साथियों ने मारपीट के दौरान घर में चल रही दुकान का सारा सामान क्षतिग्रस्त कर दुकान से लाखों रुपये भी लूट लिया और बहन को जबरन घर से उठाकर ले जाने की धमकी दी है। साथ ही कहा कि आरोपी नितेश कुमार ने उसके घर वालों से 10 लाख रुपये की मांग की है और रुपये नहीं मिलने पर घर के सभी सदस्यों को जान से मारने की भी धमकी दी है, जिससे घर वाले दहशत में हैं। वहीं CRPF जवान और उसके सहयोगियों की सारी करतूत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस पदाधिकारी द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे परिवार में भय का माहौल है। जी हाँ, शाम को जिस दिन घटना 5/7/2022 को जिस दिन घटना हुआ, घटने के बाद मैं तुरंत गया थाना, वहाँ एक एप्लीकेशन भी लिख के दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो पुलिस आई थी आपके घर पे? पुलिस आई सुबह में, जब मेरी सिस्टर ने कॉल किया SP को, थाना को, तो थाना में से बोलता है कि आपका कोई आवेदन स्वीकार नहीं हुआ है यहाँ पे। तो क्या आवेदन दिए थे? जबकि हमने आवेदन दिया था, आवेदन का फोटोकॉपी भी हमारे पास मौजूद है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तो कोई नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललन कुमार चौरसिया हुआ। वकीलीत को लेकर भागलपुर समीक्षा भवन में बुधवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान DM ने त्योहार को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दिया। वहीं शांति समिति के सदस्यों को भी DM ने आपसी सौहार्द के साथ त्योहार सम्पन्न कराने और किसी भी प्रकार शांति भंग करने का प्रयास करने वालों की सूचना देने की बात कही। इधर शांति समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि भागलपुर में कई बार दाग लग चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में SSP बाबूराम, CTSP स्वर्ण प्रभात, नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, SDM धनंजय कुमार और सभी थाने के थानेदार एवं शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। भागलपुर आज बकरीद के शुभ अवसर पर SDO साहब के यहाँ भी कल मीटिंग हुआ, आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ मीटिंग है बकरीद के लेकर। भागलपुर में बहुत दाग लग गया, आप भागलपुर शांति सद्भाव के लिए जाना जाता है और नगर निगम से नगर आयुक्त से भी मांग कर लिए हैं कि जो गड्ढा होता है नाथ नगर में 18-20 ठो, वो हो रहा है सफाई हो जाए पूरे 51 वार्ड में, और जहां जहां ब्लीचिंग का मात्रा ज़्यादा हो सफाई हो रहा है। पूजा समिति के सारे टीम लगे हुए हैं, दुर्गा पूजा हो, काली हो, ईद हो, बकरीद हो, सभी पर्व हम दोनों भाई राम रहीम के तरह सभी पर्व मनाते हैं। जेम साहब के यहाँ बकरीद के मौके पर बहुत अहम बैठक है, शहर के जितने शांति समिति के लोग हैं यहाँ मौजूद रहेंगे और अपने अपने विचार लोगों से अवगत कराएंगे।
10 तारीख को ईद उज़ुहा है और जो नमाज होगी वो 6:30 बजे से स्टार्ट होगी और 10:30 बजे तक पूरे भागलपुर में ख़त्म हो जाएगी। शांति समिति का हम लोग का पहला मकसद रहता है कि शहर में सद्भावना बना रहे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि शहर के लिए हम लोग अपने को वक्फ हो गए, पप्पू यादव हो गए, भवेश यादव हो गए, निजात अंसारी हो गए, महबूब आलम हो गए, हमेशा इन लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर रोल अदा किया है। स्मार्ट सिटी भागलपुर में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स और यूनिपोल से नगर निगम को प्रत्येक माह हजारों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। दरअसल नगर निगम से बिना परमिशन लिए ही कुछ लोगों ने जगह जगह पर होर्डिंग बोर्ड और यूनिपोल लगा दिया है, जिसकी खोजबीन अब निगम प्रशासन ने शुरू कर दी है। नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने बताया कि होर्डिंग और यूनिपोल लगाने के लिए निर्धारित फीस जमा करना होता है। गौरतलब है कि शहर में यूनिपोल की संख्या 97 है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पोल के चालक कौन है। जानकार बताते हैं कि निगम में इसका कोई लेखा जोखा भी नहीं है। मालूम हो कि पूरे शहर में होर्डिंग की भरमार है, लेकिन निगम कार्यालय में इसकी कोई अपडेट संचिका नहीं है। वहीं नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने यूनिपोल प्रभारी मोहम्मद शब्बीर अहमद को यूनिपोल संचालक का पता लगाने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त ने कहा कि प्रचार प्रसार के बाद भी अगर यूनिपोल संचालक नगर निगम की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो उनके यूनिपोल को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। इधर नगर आयुक्त के सख्त तेवर एवं एक्शन के बाद अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है। देखिए, इसमें हम लोगों ने जांच कराई है, जांच का प्रतिवेदन हमारे पास आ गया है। उसमें है कि 97 ऐसे यूनिपोल पाए गए हैं और 598 के आसपास जो है पूरे शहर में होर्डिंग लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग जो है एक अपने कोषापाल से भी एक जांच का प्रतिवेदन एक ले रहे हैं कि कितने लोगों द्वारा जो है वैध रूप से उसमें फीस जमा की गई है कि नहीं की गई, और जितने भी अवैध हैं उसमें जो अभी रिजल्ट आ रहा है 90% लोगों ने फीस जमा नहीं है और ऐसे ही लगा रखा है। तो जितने भी अवैध हैं उसके लिए यही सूचना है, एक हम नोटिस दे देंगे कि अपने से आके लोग जमा कर जाएं पैसा, और जो रेट है वो अद्यतन रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे के लिए उसको अलाउ करेंगे। अगर कोई व्यक्ति निश्चित अवधि में वो जमा नहीं करता है राशि, फिर हम लोग सभी होर्डिंग और यूनिपोल को हटाने की कार्रवाई करेंगे। एक नए सिरे से नई एजेंसी का चयन करते हुए उसके अंतर्गत जो भी आगे शहर में होर्डिंग लगेंगे उसकी कार्रवाई चलेगी। अब तो चलो एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर भागलपुर शहरी क्षेत्र में बनाए गए 28 केंद्रों पर बुधवार को शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा में 13,250 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती भी की गई थी। परीक्षा के दौरान COVID-19 के गाइडलाइन का पालन कराया गया। परीक्षा को लेकर 10 गश्ती दल और 5 उड़न दस्ता दल का गठन किया गया था। इधर परीक्षा देने के बाद बाहर निकली कई शार्टियों ने सवाल को लेकर संतोष जताया, जबकि रीजनिंग के प्रश्न पर परेशानी जाहिर की। एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया था? ये साइंस से, उसके बाद शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं वो, उसके बाद रीजनिंग साइंस से। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा था क्या? ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का था? 120। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन के समीप एक युवक युवती और उसकी मां के बीच घंटों बाद विवाद का दृश्य दिखाई दिया, जबकि इस विवाद को बढ़ता देख मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने सभी को कोतवाली थाना भेज दिया। वहीं इसके बाद कोतवाली थाने में भी तीनों ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसमें लड़की की मां ने अपने बहन बेटे के पुलिस के सामने पिटाई भी कर दी। दरअसल शाकचक निवासी युवती ने अपने प्रेमी पर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल कर देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उस
उसकी मां के साथ भी प्रेमी का अवैध संबंध चल रहा है। इधर लड़की की मां का कहना है कि उसकी बेटी का आरोप गलत है और उसकी बेटी की शादी युवक से हुई है। वहीं लड़के का कहना है कि उसने युवती से मंदिर में शादी की है लेकिन अब वह उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। साथ ही युवक ने युवती पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी मौसी के साथ उसे परेशान कर रही है, जबकि यह मामला फिलहाल फैमिली कोर्ट पे चल रहा है। और हाल इस मामले में कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है इसका फैसला तो जांच के बाद ही होगा, लेकिन फिलहाल तीनों की बात सुनने के बाद कोतवाली पुलिस ने सभी को शाकचक थाना भेज दिया, जहां शाकचक पुलिस मामले की जांच कर रही है। आ रहे थे मौसी के साथ तो वो स्टेशन चौक पे मिला तो हमने उसके गाड़ी का चाबी खींचा तो वो हमें मारा, बाल पकड़ के रोड पे ही दुष्कर्म करने का कोशिश किया। ये देखिए निशान कौन? अमित कुमार। जब हम कोतवाली थाना ले गए तो कोतवाली थाना में हमें बैठाया, बोला एसपी साहब आएगा तो आप लोग मिलिएगा। हम लोग बैठले हैं और उधर थाना वाला अमित कुमार को भगा दिया, बोला इसाक चक जाने तो फरार हो गया। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं आया था। कौन है ये अमित कुमार? ये अमित कुमार मेरी माँ का यार है। आपसे क्या संबंध है जो आप? वो हमें बोल रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो। किस आधार पे बोल रहे हैं? वो झूठा सब कुछ बनाया है, हर कुछ ऑडियो वीडियो सब में बोला है कि 5,000 के बदला पंडित जी को 15,000 दिए हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी हो रही है, जबकि आंकड़ों के अनुसार कोविड मरीजों की संख्या में 23% इजाफा हुआ है, जबकि भागलपुर में भी अब इसका असर फिर से दिखने लगा है। दरअसल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज कराने आ रहे मरीजों को इसकी चिंता फिर सताने लगी है। विशेषज्ञों की माने तो अब फिर से यह महामारी लोगों को प्रभावित करने लगी है और यह सिर्फ बीमार लोगों की ही नहीं बल्कि आम लोगों में फैलने लगा है। हालांकि अभी इस वेरिएंट का असर अधिक खतरनाक देखने को नहीं मिला है, लेकिन किसी प्रकार की लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है। वहीं कोविड से बचाव को लेकर माइग्रेन अस्पताल कितना तैयार है, इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार दास ने कहा कि भागलपुर के अलावा कई जिलों से लगभग 1700 मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए अस्पताल आते हैं, जबकि फिलहाल अस्पताल में 33 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पताल में हर एक मरीज के रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना जांच के आदेश अस्पताल कर्मियों को दे दिए गए हैं, जबकि हर एक मरीज की सर्जरी से पहले आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी स्कूलों में टीकाकरण की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है, लेकिन ओपीडी में मरीजों की संख्या अत्यधिक होने के कारण सभी मरीजों की जाँच कर पाना मुश्किल है। साथ ही अस्पताल अधीक्षक ने सभी लोगों से वैक्सीन और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। कोविड की चौथी लहर में भागलपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे पिछले एक महीने में शुरुआती दिनों में 1-2-3 पॉजिटिव आते थे, धीरे धीरे 10 हुए, 15 हुए, आज के डेट में ये प्रतिदिन पूरे ज़िले में 32 मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं। हालांकि ये सारे मरीज वो होम क्वारंटीन में ही रहते हैं क्योंकि अस्पताल में बहुत कम मरीजों को भर्ती होना पड़ता है। अस्पताल में जो भर्ती कोरोना मरीज जो जिसको हम लोग भर्ती करना पड़ा तो अधिकांश मरीज ऐसे थे जो रूटीन ऑपरेशंस के लिए भर्ती हुए, चाहे वो हड्डी विभाग में या फिर सर्जरी विभाग में, ऑपरेशंस के लिए वो हेल्दी अवस्था में थे और भर्ती होने के बाद एक रूटीन जांच जो हम लोग प्रत्येक एडमिट पेशेंट के लिए हम लोग बिफोर एडमिशन रूटीन एंटीजन टेस्ट करते हैं, तो एंटीजन टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर उसका आरटीपीसीआर भी करके कंफर्म करते हैं। तो जो भी पॉजिटिव मिले हैं वो ऐसे ही हेल्दी मरीज थे जो कि ऑपरेशन के लिए आए थे। दूसरे वो मरीज थे जो कि बहुत ही सीरियस अवस्था में कहीं पर किसी नर्सिंग होम में 5-10-15 दिन से इलाज चल रहा है और अति गंभीर हालत में है और अंतिम अवस्था में ही वो अस्पताल लेके आते हैं और उनको रूटीन जाँच में वो पॉजिटिव निकलते हैं, तो वो अपने उनकी डेथ जो होती है उनका जो बेसिक डिजीज है पहले से वो मेन कॉज होता है, कोरोना एक एसोसिएटेड जांच के क्रम में निकल जाता है। भागलपुर जयप्रकाश उद्यान देश का पहला नगर वन बनने जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग की ओर से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पहल भी तेज कर दी गई है, जबकि इसको लेकर भागलपुर जयप्रकाश उद्यान में देश के पहले नगर वन के लिए बीते 11 जून को ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा शिलान्यास भी किया जा चुका है। इस योजना के तहत देश भर में बनने वाले 1200 नगर वन में से भागलपुर के नगर वन के लिए विभाग द्वारा आवंटित की गई 55 लाख
की राशि से जयप्रकाश उद्यान को पर्यावरण की दृष्टि से हरा भरा किया जाएगा, जिसमें बटरफ्लाई गार्डन और औषधीय पौधों के बिक्री केंद्र की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि वायुमंडल में प्रदूषण होने के कारण वातावरण काफी दूषित होता जा रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। मंत्री ने कहा कि इसी को देखते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में भी नगर वन बनाने का निर्णय लिया, जहां इस योजना के तहत अलग अलग प्रकार के 500 पौधे लगाए जाने के साथ बटरफ्लाई गार्डन और औषधीय पौधों के बिक्री केंद्र भी बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर वन से लोग अलग अलग तरह के प्लांट की खरीद बिक्री कर सकेंगे। इसके अलावा बटरफ्लाई गार्डन के लिए खास तरह के वातावरण को तैयार करने के साथ होस्ट और नेक्टर प्लांट लगाने की बात मंत्री ने कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सौंदर्यीकरण समेत नगर वन योजना का सभी कार्य जिला वन पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली की निगरानी में संपन्न होगा। बता दें कि होस्ट प्लांट से तितलियों का लार्वा तैयार होता है, जबकि औषधि पौधों की मदद से दवाइयां का निर्माण हो सकेगा, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। पीरपैंती बाराहाट स्थित निजी स्कूल बदलूगंज के स्काउट गाइड जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद के नेतृत्व में 60 प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लिया। सरकार द्वारा पर्यावरण और प्रदूषण से बचाव के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने को लेकर विद्यालय के प्राचार्य पंकज कुमार सिन्हा एवं आकाश कुमार ने कहा कि प्लास्टिक की रोकथाम बहुत जरूरी है और स्काउट जैसी संस्था ने इसकी पहल काफी पहले से ही कर दी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव और कई तरह की बीमारियां पॉलीथीन की देन है, इसलिए छात्र छात्राओं द्वारा स्लोगन और जन जागरूकता के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाना जरूरी है। वह स्काउट गाइड के प्रशिक्षक मुकेश आजाद ने कहा कि सिंगल यूज पॉलीथीन को राष्ट्र से मुक्त करना आवश्यक है, जिससे हमारा समाज समृद्ध और स्वस्थ रह सके। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गंगा में डूब रहे मां बेटी को बचाने के लिए सीओ ने लगाई छलांग, मौके पर मौजूद लोगों ने की अंचलाधिकारी की सराहना। अबजुगंज घाट में स्नान के दौरान डूबे चार लोगों के परिजनों से मिले सांसद, कहा आपदा के तहत परिजनों को दी गई सहायता राशि। ससुराल पहुंचे सीआरपीएफ जवान ने साले की कर दी बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। वकीत को लेकर डीएम ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के दिए निर्देश। और नगर आयुक्त ने शहर में लगे अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स को हटाने के दिए निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।